उसने बता भी दिया था कि जो दराएं चल रही है खेत, इन पे ध्यान दिया करो, मकान गिर सकता है, गिर सकता है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और एकदम जो है मकान गिर के मेरे बच्चे की जान चली गई। क्या मांगे बाप की, क्या मांग रहे हैं? अब उसका जो है मुआवजा दिलाया जाए, तो ये पति पत्नी देते थे, बच्चे भी नहीं, बच्चे नहीं, दोनों पति पत्नी, पत्नी भी घायल है, पत्नी भी घायल है, गरीब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब से चौकीदारी करते थे तब से यहाँ काम कर रहा था, ये क्या कर लो 15-16 साल इसी मकान रहता था, इसी मकान, ये अकेले रहते थे, दोनों में भी 30 साल में उसमें चौकीदारी काम करते थे। मकान मालिक ने ये नहीं देखा कि मकान में दरारें पड़ी है, पड़ोस में एक मकान जो बन रहा था उसने पूरी नींव खोद दी, इतनी ज़्यादा नींव खोद दी कि मकान गिर गया। मकान मालिक कल से मोबाइल बंद करके बैठा है, पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं करी। अभी इनका भाई गए, जब उसने FIR दर्ज करी, संज्ञान नहीं लिया, न मकान मालिक संभाल रहा, इनके बुजुर्ग व्यक्ति माता पिता है, जगदीश शर्मा जी विकलांग है, उनके पेट काम नहीं करते, उनकी पत्नी भी घायल हो गई, वो भी घायल हुआ है, न प्रशासन ने कोई मुआवजे की बात करी अभी तक, न पुलिस ने FIR दर्ज करी, न मकान मालिक यहाँ पर आया। आज ब्राह्मण कल्याण यहाँ पर आया है, हम चाहते हैं कि प्रशासन उसको 5 लाख रुपए दे, मकान मालिक भी उसको 5 लाख रुपए दे, और धारा 304 में गैर इरादतन हत्या में उसका मामला केस दर्ज हो, पड़ोसी पे भी और मकान मालिक को ठेकेदार पे। तो भाई सब लूटाएंगे जब तक, हम जब तक FIR दर्ज नहीं जाएगी 304 धारा में, मुआवजे की बात नहीं जाएगी, जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे सब लूटाएंगे।